फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए ताकि आप। अखिलेश यादव यहाँ आए उनका स्वागत, लेकिन वो यहाँ के लोकसभा सांसद भी है और दो बार कोरोना का वेव यहाँ चला। पता चला कि एक बार वो पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड में है और एक बार ऑस्ट्रेलिया में है। अगर ऐसे बाहरी सांसदों को, अरे बाहरी विधायकों को चुन लिया जाए तो मैं तो नहीं समझता हूँ फायदा। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी आजमगढ़ से, इसमें लिखित है। मैं 10 पेपर पे अभी लिख के देता हूँ कि अखिलेश यादव ही आएंगे। तो योगी तो लैपटॉप बंटवाएं, कुछ जगह बंटवाएं, कुछ जगह नहीं बंटवाएं। तो फॉर्म हम लोग को भी नहीं मिला है अभी। अब बात आई है कि अब जिसे सरकार बनेगी वो देगा, तो हम बनाए बीजेपी सरकार तब हम लोग को वो मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। ये कोई बात हो ही नहीं, कुछ लोग को दे कुछ लोग को नहीं दे, हम लोग अन्याय नहीं हुआ है। आजम खान को अंडा से मारा गया, वो औरतों को उसी पार्क में पत्थर से ईटा से मरवाया, वो आगे क्या करेंगे। हम भी मुसलमान हैं, पठान हैं, हम कमल के फूल के साथ, हम ईदगाह के पुजारी हैं, गौ माता के पुजारी हैं। सर मैं हूं राजीव कुमार और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हम आजमगढ़ में खड़े हैं और आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा इलाके में, खासतौर पे इस इलाके की चर्चा इस वक्त जोरों पर है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं और उनकी तरफ से इस तरह की बातें सुनने को आई। तो हम सीधे यहाँ की जनता से बात करने के लिए आए हैं कि गोपालपुर का जो विधानसभा इलाका है, खासतौर पे यहाँ पे अखिलेश यादव के आने की चर्चा है और क्या क्या उम्मीदें इन लोगों को इस इलाके से है। मैं यहाँ के लोगों से बात करने आया हूँ कि इन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? रामकेश राम। रामकेश साहब ये बताइए, गोपालपुर इलाके में अखिलेश जी के आने की बातें आ रही हैं, तो उसको लेके आप लोग कितना क्या कहना है? भाई राष्ट्रीय नेता हैं वो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके भी हैं, राष्ट्रीय नेता भी हैं, उनका चुनाव अच्छा भी रहेगा, अगर खराब भी नहीं रहेगा तो किसी से अच्छा भी नहीं रहेगा तो किसी से खराब भी नहीं रहेगा जी। हाँ तो खासतौर पर गोपालपुर को चुना गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यहाँ उनका वोट अधिक है, उनका वोट अगर उस समीकरण से अगर बात करेंगे तो उनका वोट अधिक है यहाँ जी। और आजमगढ़ खासतौर पे उनका लोकसभा संसद भी रहे यहाँ से, तो जिस तरीके से उनका वो कार्यकाल रहा, खासतौर पे अब विधानसभा गोपालपुर की बातें आ रही हैं या आसपास की विधानसभाओं की बातें आ रही, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? भाई उनका कुछ अच्छाई इसलिए है, हम तो उस पार्टी के नहीं हैं, मगर उनका अच्छाई देखते हुए में भाई कमिश्नरी यहाँ बनाए वो, और हाँ गन्ना मिल जो छठियाओं का है, नहीं वो तो पहले से था जो है बंद था खुलवाए, और एक अस्पताल भी कोई मंदुरी एयरपोर्ट, हाँ मंदुरी एयरपोर्ट भी बनवाए जो है, तो उन्होंने काम किए हैं आजमगढ़ में, काम किए हैं। क्या फर्क पड़ता है? देखिए अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका जीतने का पूरा उम्मीद भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका जीतने का उम्मीद भी है, जीतने की उम्मीद है। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि क्या नाम है भैया आपका? राजू यादव नाम है। राजू साहब यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बात आ रही है, कैसा रहेगा यहाँ पर? बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अपार संभावनाएं हैं विकास होने की, तो हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो तमाम विकास कार्य होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छे अच्छे मन बिजली तमाम 24 घंटा मिलेंगी, अपार संभावनाएं हैं, तमाम काम किए हैं तो और भी विकास की उम्मीद रहेगी उनसे, और उन विकास होगा भी अगर यहाँ से लड़ते हैं, एक तरफा चुनाव होगा। हाँ एक तरफा उनके और सभी लोग, कोई बिरादरी अदर बिरादरी कोई नहीं देखेगा, और राष्ट्रीय नेता के नाते एक तरफा उनको विजयी बनाएंगे लोग जी। तो ये कहना है गोपालपुर के इलाके के लोगों का कि राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका महत्व रहेगा। कुछ लोगों से और मैं बात करता हूँ, क्या कहना है भैया? सही है, अगर वो आते हैं तो सही है, अगर वो आते हैं तो भाई उनका सम्मान करना पड़ेगा जी। हाँ अगर वो आते हैं तब। अच्छा क्या उम्मीदें रखते हैं कि किस तरह का विकास होगा या क्या चीज़ें मूल आवश्यकताओं में यहाँ जरूरी है? सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय नेता हैं, इस वजह से हम लोग उनके साथ रहेंगे, विकास तो होगा ही होगा, मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास तो जरूर प्रथम प्राथमिकता होगी जी। चलिए कुछ लोग और हैं बात करते हैं कि क्या कहना है भैया आपका? क्या नाम है? सुधाकर पाठक। सुधाकर साहब क्या कहना चाहेंगे गोपालपुर इलाके से अखिलेश यादव के कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने की?
देखिए लड़ाई में तो रहेंगे, ये तो हम नहीं कर सकते कि नहीं जीती जाएंगे, लड़ाई में वो पूरा रहेंगे। समाजवादी ने यहाँ काम भी किया है, लेकिन अब बाहरी को गोपालपुर की जनता बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी, ये तो जनता के ऊपर है। आप भी तो जनता हैं, खासतौर पे जब अखिलेश यादव यहाँ आएंगे तो आपका क्या इसमें रहेगा? नहीं, हमारा तो है ही, ऐसी बात नहीं कि यहाँ से बार समाजवादी का ही क्षेत्र है, समाजवादी के यहाँ बार बार विधायक जीतते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़ाई में अखिलेश यादव रहेंगे। खास तौर पे ये इलाका काफ़ी पिछड़ा बनवाया जाता है, बाढ़ इलाका घोषित है, लेकिन किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं जो आप उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव अगर यहाँ से आते हैं तो किन किन चीज़ों पे आप उम्मीद रखते हैं? देखिए सर, नेताओं से क्या एक्सपेक्टेशन किया जाए, ठीक है, अखिलेश यादव यहाँ आए उनका स्वागत, लेकिन वो यहाँ के लोकसभा सांसद भी है और दो बार कोरोना का वेब यहाँ चला, पता चला कि एक बार वो पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड में है और एक बार ऑस्ट्रेलिया में है। अगर ऐसे बाहरी सांसदों को, अरे बाहरी विधायकों को चुन लिया जाए तो मैं तो नहीं समझता हूँ फायदा हो। अगर मुझे सपोज, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, सपोज कि मैं एक नागरिक हूँ, अगर मुझे कोई आवश्यकता अपने सांसद से है तो क्या मैं जाके मिल सकता हूँ उनसे, उनके चेले चपेटे मुझे वहाँ मिलने देंगे लखनऊ में? अगर मेरा लोकल सांसद हो तो मैं उसके यहाँ जाऊँगा, उसके घर पे एक घंटे में वो मेरी पर्ची लेगा, मेरा एप्लीकेशन लेगा, हो सकता है मेरा सोल्यूशन सॉल्व हो जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उनसे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं दिख रही, लेकिन अगर वो यहाँ आते हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आए लड़े, उनका स्वागत है, आजमगढ़ की जनता ने उनको सांसद भी बनाया है, तो आजमगढ़ जनता उनको हो सकता है कि विधायक भी बनाए। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विकास उन्होंने कर दिया इसलिए वो जीत जाएंगे, वो जीतेंगे भी, ये इस बात की भी गारंटी वो जीतेंगे, ऐसा नहीं विकास से जीतेंगे। वो देखिए जातीय एक सत्यता है और उसको नकारा भी नहीं जा सकता, और वो जो है उनका जातीय समीकरण यहाँ MOI का बहुत फिट है, इसलिए वो जीत जाएंगे, भारी मतों से जीत जाएंगे। तो ये कहना है यहाँ के इलाके के लोगों का कि अगर यहाँ का लोकल सांसद या विधायक होता तो उनकी बात सुनता है, इस बात की काफ़ी शिकायतें। कुछ लोग और हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम प्रताप यादव। राम प्रताप जी, अखिलेश यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, खासतौर पर गोपालपुर इलाका क्यों? हाँ, तो वो पूरा फुल पॉइंट से अखिलेश यादव जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस अन्य सबका देख गया, लेकिन कोई किसी ने समाजवादी पार्टी ही जीतेगी आजमगढ़ से, इसमें लिखित है। मैं 10 पेपर पे अभी लिख के देता हूँ कि अखिलेश यादव ही आएंगे। मतलब उनका आप स्वागत करेंगे? हम उनका एकदम इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए, दिन रात यही बिलरियागंज चौक पे खड़े रहते हैं, कब उनका दर्शन हो जी। खास तौर पे जो ये गोपालपुर इलाका है, मूल आवश्यकताएं क्या हैं, और खास तौर पे जब अखिलेश यादव जैसे लोग यहाँ से चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं, क्या बदलाव आप उम्मीद रखते हैं? सर, मैं बदलाव ये चाहता हूँ कि इस महामारी में जितना लोगों की सहायता भाजपा ने किया है उतना कोई पार्टी नहीं की है। हर समय हर वक्त भाजपा ने हर लोगों को अपनी आवश्यकता पूर्वक देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोदी की सरकार बने, मोदी जोगी ही रहें। अखिलेश जोगी की बात नहीं करता, जो हमारे संकट को देखे वही हमारी सरकार, हमारी भाई लीडर है। बस मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ, ये बात मैं जनता की मुंह की बात नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ अखिलेश यादव बने, क्या अखिलेश ने हमारे लिए क्या किया? जोगी ने हमारे गरीबों के एक लाख रुपया तक माफ किए, अखिलेश ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जोगी की सरकार बने। नमस्ते। चलिए सर, मोदी कुछ और लोग हैं, हाँ क्या कर रहे हैं? मोदी जी की बात आई, मोदी जी आज सब याद कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बॉम्बे से पैदल आया, फुटपाथ पे आए, एक भी मोदी सरकार ने नहीं चुना, लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन हर जगह पे। आज इधर बिलरियागंज आया, पूरे यूपी में इलेक्शन है तो कोई लॉकडाउन का नहीं है, भोपाल में देखिए, इंदौर में देखिए, हर जगह लॉकडाउन लग गया है। खाली कर्फ्यू यहाँ भी है? नहीं है अभी, नाइट कर्फ्यू है, लेकिन हर जगह संपूर्ण लॉकडाउन है। क्यों? जब तक कहीं लगा है। लेकिन मोदी जी का कुछ क्या सहायता किए बताइए मोदी जी, हम सबको लालित दे रहे हैं, गेहूँ चावल से पब्लिक जिएगी क्या? और उसने क्या रोजगारी लेके बैठ गए, कुछ दे रहे कुछ नहीं दे रहे हैं, हमारा क्या कर रहे हैं? सबको मुँह आता है ना कि मोदी जी। अच्छा, अखिलेश यादव यहाँ से आ रहे हैं चुनाव लड़ने? हाँ, अखिलेश यादव अब चक्के हुआ, मोदी तो भूज देना सबके। हाँ, का चाहत
बतावा पधाय के भूज देना सबके मजूरन मनाई के और भूज देना मोदी। हाँ सब पर कारोबार बंद कर देना मोदी और सबके खान पियन दुसवार का देना मोदी कहना का इसलिए तो अखिलेश आवत हुए। हाँ अखिलेश हो यही है तो अच्छा यही विधानसभा में अखिलेश आवत हुए तो हमारे विधानसभा से अखिलेश हम तो अखिलेश के कहवा कर अखिलेश के हम दे वोट। अच्छा अखिलेश को वोट दे वो। हाँ बिल्कुल मोदी हमके का बनौला हक दे मोदी के। तो ये खास तौर पे गोपालपुर विधानसभा इलाका हो या कहीं भी कोरोना काल में हुए इनके जो प्रवासी लोग थे उनके साथ दुर्दशाओं का भी बखान सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग और हैं हम बात करेंगे कि जो आजमगढ़ का खासतौर पे ये गोपालपुर इलाका किस समस्याओं से जूझ रहा है और यहाँ से अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थितियाँ रहेंगी। देखिए समस्याएं तो उनको एक बार आके यहाँ पे देखनी चाहिए क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं। बिजली की समस्या है पहले तो अब तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गई है जब से योगी सरकार आई है और सड़कें की समस्या है सड़क की समस्या जो होती है वो राज्य सरकार दे देती है कि यहाँ पे सांसद तो आप विधायक हैं तो आप देखिए ग्राम प्रधान हैं तो आप देखिए तो कोई बोलते हैं अब किसी से आप कुछ कहने जाइए तो बोलते हैं कि हमारे बजट में नहीं है हमारे बजट में नहीं हमारे बजट में नहीं है। सांसद जी से तो मुलाकात कभी हुई नहीं है यहाँ तक कि विधायक जी से मुलाकात हुई है वहाँ तक भी अपनी समस्याएं रखे हैं लेकिन कुछ सुनाई वहाँ तक तो सुनवाई कुछ हुई नहीं है अभी तक। तो खासतौर पर जो अखिलेश यादव की बातें आ रही हैं यहाँ से चुनाव लड़ने की कैसी रहेगी। भैया अब हम बताएं सुबह शौचालय जाते हैं योगी जी के घर पे आते हैं खाना बनाते हैं गैस पे वो भी योगी जी के राशन जो देते हैं वो भी योगी मोदी जी। अब हम कैसे सोच लें कि हम आपको अब कैसे बता दें कि आप सपा हैं या बसपा हैं या क्या चाहिए और बताइए। लॉकडाउन की रह गई बात तो लॉकडाउन तो हमारे यहाँ इंडिया में सिर्फ लगा नहीं जो होता है विदेशों में जाके आप देखिए क्या स्थिति हो गई है पूरा परिवार एक घर का एक कोई ऐसा सदस्य नहीं बचा है कि जिसके नाम से कोई उनकी किया जाए प्रॉपर्टी। तो समस्याएं बहुत सारी अगर चुनावी राजनीति देखी जाए तो जो जातिवाद समीकरण जो होता है ना अपने हम लोगों के यहाँ छोटे तमकों में जो हम लोग यहाँ पे जो गांव मुल्क में जो है यहाँ पे यहाँ जातिवाद थोड़ा देखा जाता है और जातिवाद की वजह से अब सब कह रहे हैं कि सांसद जी आ रहे हैं यहाँ से लड़ने के लिए तो 5 साल तो हो गया शायद ना 4.5 साल हो गया उनका कार्यकाल यहाँ आजमगढ़ में। एक बार आए थे हमने कहा कि हाँ मरुई चलिए मरुई का एयरपोर्ट उन्होंने दिया है लेकिन कभी अपने फ्लाइट से तो आए नहीं। अब यहाँ के अगर यहाँ पर अगर आएंगे चुनाव प्रचार के लिए तो यही तो हम सोच रहे हैं किस चीज़ से आएंगे कुछ चुनाव प्रचार हो करेंगे पहली बात और दूसरी बात किस चीज़ से आएंगे यहाँ पे जनता के लिए हेल्प करने के लिए कैसे हेल्प करेंगे। आप विधायक का मतलब आप जान ही सकते हैं कि विधायक का जो होता है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि नहीं कोई ऐसा चुने कि जो लखनऊ अगर हमारी छोटी छोटी समस्या जो होती है कि अगर हमारे ग्राम प्रधान नहीं सॉल्व कर सकते हैं या कोई थाना नहीं कर सकता है तो आदमी सोचता चलो एक बार विधायक इससे मिल लें तो अब विधायक जी से मिलने के लिए तो हमें फिर लखनऊ ही साथ जाना पड़ेगा या तो मैनपुरी जाना पड़ेगा। तो अब जाहिर सी बात है आप जनता को तो इतना जागरूक होना ही चाहिए। चलिए जनता का ये कहना है कि गोपालपुर इलाका अपने आप में जो यहाँ पे विकास की चीज़ें नहीं हुई उनकी कमियाँ महसूस की गई हैं और ख़ासतौर पर जो स्थानीय मुद्दा है स्थानीय विधायक हो चाहे सांसद हो वो भी काफ़ी प्रभावशाली रहा। कुछ हमारे साथ बच्चियाँ हैं यहाँ पर और गोपालपुर इलाके में खासतौर पे अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं गोपालपुर विधानसभा कैसा रहेगा क्या कर रहे हो क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम अंकिता राय है। अंकिता क्या कहना चाहोगी यहाँ से अखिलेश यादव जी के चुनाव लड़ने की बात आ रही है गोपालपुर विधानसभा के अंदर जो समस्याएं हैं खासतौर पे आपके साथ महिला बच्चियों के हम है नहीं यहाँ हम लाडघाट एरिया के हैं। लाडघाट तो इलाका तो यही है अखिलेश यादव जी यहाँ वही है क्या कहना। वैसे अंकल सही है सही है और देखा जाए तो हम लोग का ज्यादा बात है लैपटॉप का तो योगी तो लैपटॉप बंटवाएं कुछ जगह बंटवाएं कुछ जगह नहीं बंटवाएं तो फॉर्म हम लोग को भी नहीं मिला है अभी। अब बात आई है कि अब जिसकी सरकार बनेगी वो देगा तो हम बनाए बीजेपी सरकार तब तो हम लोग को वो मिलेगा लैपटॉप मिलेगा ये कोई बात तो भी नहीं कुछ लोग को दिए कुछ लोग को नहीं दिए हम लोग का अन्याय नहीं हुआ है। तुम्हें नाराजगी है बिल्कुल है रहेगा ही कुछ लोगों उसमें किसी को नहीं दिए होते दिए तो सभी लोग को देना चाहिए था। अब ये क्या बात बोल रहे हैं जिसकी सरकार बनेगी वो देगा तो इसका मतलब हम बीजेपी सरकार लाए तब हम लोग को लैपटॉप मिलेगा तो ये सब फ्रॉड न्यूज है ना बस नहीं किसी को नहीं देना चाहिए था। अच्छा ये बताओ बच्ची हो स्कूल जाती हो कॉलेज जाती हो तुम लोगों को अभी क्या महसूस होता है किस तरीके की पहले के समय में और अब के समय में क्या अंतर है। चेंजिंग तो बहुत है
और फिर देखा जाए तो लॉकडाउन की भी बात आती है, तो अभी लॉकडाउन के टाइम में भी स्कूल कॉलेज कोचिंग सब कुछ बंद जाता है, इसमें स्टूडेंट का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ठेले का वो जो शराब की दुकान हो गई, यहाँ पे कोई मतलब सब कुछ सही है, जो सब कुछ खुला रहता है, लेकिन यहाँ पे कॉलेज कोचिंग ये सब बंद करवा दी जा रही है। चलो ठीक, कुछ बच्चियों से और बात करें। क्या नाम बेटा? नीतू विश्वकर्मा। नीतू ये बताओ कि अब के समय में तुम्हें स्कूल कॉलेज जाने में, रोड पे खुलेआम जाने में कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी दिक्कत होती है? नहीं अभी, हाँ अभी होता है, क्योंकि हम जब भी बाहर निकलते हैं हम लोग मास्क पहन के निकलते हैं, बिना मास्क के हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं। लैपटॉप के लिए फॉर्म भरना था, तो फॉर्म बोले कि पूरा जब फीस जमा हो जाएगी कॉलेज स्कूल में तब उसके बाद लैपटॉप मिलेगा। हम लोग फीस भी भर दिए, हम लोग सब कुछ कर दिए, पर हम लोग को अभी नहीं मिला है, ऐसा क्यों है? अच्छा, खासतौर पर अखिलेश यादव इस इलाके से आ रहे हैं चुनाव, जब उनका टाइम था, जब उनकी सरकार थी, तो हमारे भाई को, हमारे सब मतलब घर में अगल बगल में सबको लैपटॉप मिला था, तो इस बार भी फॉर्म भरे थे हम लोग, हो सकता हम लोग को भी मिले, पर हम लोग को नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, उसको लेके आप लोग क्या करेंगे? तो अच्छा है वो लड़े, हाँ हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, हम लोग वोट भी देंगे। अच्छा, उनको वोट दोगे? और एक बात और है, ये जो मोदी जी बोलते हैं वो पूरा मतलब वर्ल्ड घूम कर आए हैं, वहाँ विदेश गए थे घूमने, यहाँ गए थे, तो कोई अपने पैसे से गए थे? जनता पैसे से घूम कर आए हैं कि अपने पैसे से घूम कर आए हैं? अपने पैसे से घूम के आए तो बताए, वो सब जनता के पैसे से घूमे हैं यहाँ वहाँ जहाँ भी गए हैं। प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है और एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो अपने और उसकी बात नहीं, तो प्रधानमंत्री तो एक संस्थान है, हो गई। हाँ तो अंकल जो भी है अखिलेश ही चाहिए, बस अखिलेश चाहिए, हाँ वही चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि गोपालपुर इलाके में क्या कुछ नजर है, वही चाहिए, अखिलेश ही चाहिए। तुम भी कुछ बताना चाह रहे हो? क्या नाम है? सुधा कुमारी। क्या कहोगे सर? इस बार अखिलेश ही चाहिए जो भी हो। लैपटॉप मिला था? नो सर, फॉर्म भरे थे पर लैपटॉप नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं। कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि अगली बार आएगा तो अगली जो सरकार बनेगी वो देगी, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोगों से और मैं बात करता हूँ यहाँ के खास इलाकों से, कि जो यहाँ की स्थितियाँ हैं उसको देखते हुए और अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, कयास लगाया जा रहा है, क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? यहाँ से उनको आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के सांसद रह चुके हैं वो, और जब से सांसद यहाँ जीत के गए हैं 5 साल कभी देखने के लिए जनता को नहीं आए हैं। इनको विधायकी यहाँ से नहीं लड़नी चाहिए, अपनी इज्जत बचा के अपने तरफ जाना चाहिए यहाँ जी। क्या नाम है आपका? मान बहादुर सिंह। मान बहादुर सिंह जी, कुछ महिलाएं हैं, मैं बात करना चाहूँगा कि खासतौर पे गोपालपुर इलाके से अखिलेश जी के चुनाव लड़ने की बात आ रही है, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो इस तरह की बातों पे आपका क्या कहना है? हमारा कहना है अखिलेश सपा सरकार में, हम सपा सरकार को वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश का विकास करे जी, और देश का जो महंगाई है उसको कम करे। हम इन्हीं को देना और चाहते हैं अखिलेश सरकार को, सपा। अच्छा, यहाँ से अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे तो किस तरीके की स्थिति है? अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या कहना होगा? क्या कहना होगा? हमारे देश को विकास करे और महंगाई को कम करे, जनता खुश। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जल सिंह यादव। जल सिंह जी क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि जो भी सरकार में आवे काम करे, विकास करे, जनता में विकास करे, अच्छा काम करे, महंगाई न्यूनतम से न्यूनतम रहे, ज़्यादा महंगाई न रहे, जनता को जब महंगाई का सामना झेलना पड़ता है तो परेशानी झेल होती है, ठीक है ना? जो इस मुद्दे पर वोट मांगे उसको वोट दिया जाएगा। अखिलेश जी आ रहे हैं आपके यहाँ से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो क्या कहेंगे? अखिलेश को वोट दिया जाएगा, ठीक है, उनसे कहा भी जाएगा कि जो समस्याएँ हैं जनता की वह समस्याएँ दूर हो, विकास हो, वोट उनको मिलेगा जी। विकास के ही मुद्दे पे वोट मिलेगा, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, यहाँ के स्थानीय अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं गोपालपुर से, क्या कहना है? हम तो भाई कमल के फूल के वोट देंगे, उनको जिताएंगे, इसलिए कि हर गरीबों को
इधर दुनिया वो हर गरीबों को कमल का फूल का नेता सरकार ने घर दे दिया, बरदौली शौचालय गल्ला पैसा सब कुछ दे दिया। अखिलेश ने क्या दिया जब बोलो दिखाएं, अखिलेश ने क्या दिया जनता को, गरीबों को, जाहिलों को क्या दिया? जाहिल के नाम अल्लाह ने जल जला भेज दिया, जमीन हिल गई, जाहिल जमीन हिल, जाहिल के नाम हिल गई। लेकिन जाहिल के साथ दिया तो कमल का फूल ने दिया, गरीबन को घर दे दिया, शौचालय बरदौली दे दिया। शौचालय नहीं था उससे उसके वजह से कितनी इज्जत जा रही थी, वो इज्जत ढाक दिए। महंगाई तो अभी मिली है। तो अखिलेश यादव जी की यहाँ से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश जी की हम क्या बात करें, यहीं पे पार्क में क्या नाम है इनका, आजम खान, आजम खान को अंडा से मारा गया, वो औरतों को उसी पार्क में पत्थर से ईटा से मरवाया, वो आके क्या करेंगे? हम भी मुसलमान हैं, पठान हैं, हम कमल के फूल के साथ, हम ईदगाह के पुजारी हैं, गौ माता के पुजारी हैं। हाँ, यहाँ गौ माता हत्या रोज होती थी, आज रुक गई, यहाँ बीमारी रुक गई, इधर उधर है बीमारी, यहाँ रुक गई बीमारी। क्यों रुक गई? यहाँ कमल के फूल ने गौ माता की हत्या रुकवा दी, कोई नहीं यहाँ हत्या हत्या हो रही है गौ माता की, सब बीमारी दूर है। अपने अपने तरीके से लोगों की बातें हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं, इनसे मैं बात करता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहां से चुनाव लड़ते हैं गोपालपुर विधानसभा, जो कयास लगाया जा रहा है उसको लेके आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? सर, हमें सरकार कोई भी हो चलेगा, आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है, और रोज प्रचार अगैरह वगैरह सारे कुछ हो रहे हैं, भीड़ भक्कड़ हो रहे हैं, लेकिन आर्मी भर्ती नहीं आ रही है, 5 साल हो गए दौड़ते दौड़ते। हमें आर्मी की भर्ती दो, सरकार किसी की भी हो। नाम मेरा दिलीप से रफ्तार 5959, 3 साल से बघेला ग्राउंड पर दौड़ता हूँ, उम्र बीत चुकी है, अब कुछ लड़के हत्या भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सरकार किसी को, हमको अनाज पानी प्यास कुछ मतलब नहीं है, जनता कोई रहे, सरकार किसी को इसी के रहे, अखिलेश यादव भैया रहे चाहे योगी जी रहे, हमसे कोई आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन हमको आर्मी की भर्ती दो। बनारस बिहार में 3 साल से भर्ती नहीं आ रही है, बघेला ग्राउंड पर लड़के दौड़ दौड़ के हर जगह स्टेट के लड़के दौड़ रहे हैं, जो परेशान हो चुके हैं, हाथ में हत्या करे, घर वाले करे, जाओ कमाओ खाओ, आगे लगाइए। चलिए, कुछ युवाओं का ये है कि उन्हें भर्ती नहीं आ रही है, तो उसको लेके काफी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी एक मुद्दा है। खासतौर पे यहाँ पे बच्चों से मैं बात करूंगा कि युवाओं का कि क्या कहना है यहाँ से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं? बहुत अच्छी बात है, यहाँ लड़े तो और गोपालपुर की मजबूती बढ़ जाएगी हमारे यहाँ से, और गरीबों को अभी सुनवाई होगा, जहाँ के यहाँ से कोई भी एक नेता भी आता है तो गरीबों का ठेला दुकान सब चीज़ हटा दिया जाता है, क्या उन्हीं के लिए है? ये सब नहीं है, इसी लोग से वोट देकर वो सब पाते हैं ना। हाँ बताइए, गल्ला कह रहे हैं जनता की फ्री में दे रही है, तेल 100 रुपया लीटर हो गया है, हाँ गल्ला कितना, 5 यूनिट का 75 रुपया, 30 रुपया लीटर पर यूनिट बढ़ा दिया गया है तेलों का, क्या किया जाएगा? हाँ केवल भुलवाया जा रहा है जनता को, अन्न देकर, सस्ते अन्न देकर भुलवाया जा रहा है, केवल साइकिल पर वोट दे और बारिश मारी मतों से विजयी बनाए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो अब इस तरीके की बातें हैं यहाँ पे, कई तरह के मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, कुछ लोगों को अनाज से राहत मिल रही है, लाभ मिल रहा है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकारें जो हैं इसे गुमराह कर रही हैं, चाहे वो महंगाई लाकर और चाहे वो यहाँ पे अनाज देकर। तो दोनों तरफ की बातें रहीं इस गोपालपुर विधानसभा इलाके में, और गोपालपुर विधानसभा इलाका जो खास तौर पे अब सुर्खियों में इसलिए आ रहा है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की कयास जताई जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया आम जनता की देखी गई। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।